गाइस, तो फाइनली आज है कॉमिक कॉन का डे, सैटरडे है। हम लोग कॉमिक कॉन देखने जा रहे हैं। सो जैसे कि आप लोगों को बताया था कम्युनिटी पोस्ट पे कि अगर कोई भी हम लोगों से मिलने आना चाहता है तो वो देखते हैं कौन आने वाला है वहाँ पे। बाकी अभी ये कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, देखो इधर। और यार हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, अभी 1:15 हो चुके हैं, आप देख सकते हो टाइम हमारा। तो जैसा भी होगा हम आपको जल्दी जल्दी आगे बताते जाएंगे। और ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो फाइनली हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। आप पार्किंग मेरे पीछे देख सकते हो, ठीक है। ये मेरे पीछे खड़े हैं, मैं छोटी पड़ती हूँ इसलिए ये थोड़े ऊपर आ रहे हैं और मैं आ गया। बोला स्टैंड लगा लो, लगाई नहीं यार। तो ये अब आ रहे हैं कार्ड लगा के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हम लोग मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं यार। अभी मुझे पता है ड्रेस भी चेंज करनी है अपनी, बहुत लेट होने वाला है यार। मैं अभी हम लोग आए हैं जनकपुरी वेस्ट, तो हम लोग द्वारका वाले साइड से हैं, तो इंटरचेंज होगी हमारी जनकपुरी वेस्ट कालका जी तक। हाँ, फिर कालका जी से नेक्स्ट स्टेशन है गोविंदपुरी, तो वहाँ से भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ओ भाई, हमें मतलब कालका जी से गोविंदपुरी जाने में जो परेड अगला स्टेशन है उसके लिए चेंज करनी पड़ रही है। और लिटरली पता कैसा लग रहा, फील आ रहा है वैष्णो देवी में चढ़ाई स्टार्ट करते। अब हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन, तो इसके जस्ट सामने ही कॉमिक कॉन की एंट्री है। तो गाइस, हमने एंट्री ले लिया कॉमिक कॉन में। तो देखो पीछे तुम्हें वो भी दिख रहा होगा। अब यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, जो भी चीज होगी तुम्हें बता देंगे यहाँ पे। तो क्या हिसाब किताब है, हम लोग ने ऑनलाइन बुक करा ली थी, वैसे यहाँ पे भी मिल सकती है, जाकर के देखना। हाँ, कैश पे भी मिल जाएगी, मतलब यहाँ पे लेना चाहो और वैसे ऑनलाइन मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे आप ना गाड़ी वगैरह लेके आ सकते हो, उसके पार्किंग चार्ज अलग लगते हैं, टू व्हीलर के पार्किंग चार्ज अलग लगते हैं। तो जैसे ही कॉमिक कॉन में घुसते हैं तो यहाँ पे कुछ बूथ लगे हुए हैं, उसी के साथ में टिकट काउंटर है, ये देख लो आप लोग सामने। कैश वालों के लिए बंदे बहुत कम है और बूट वालों के लिए बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे देख रहे हो कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, इतने सारे बंदे आए हुए हैं। ये कूपन वगैरह मिलते हैं, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बुक करके आओगे ना अगर तो तुम थोड़ा प्रॉब्लम में हो, क्योंकि बहुत सारी लाइन लगती है बुक के लिए। कैश में या क्रेडिट कार्ड से या फिर कार्ड से लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमें बैंड्स वगैरह मिले हैं और एक कुड़ी बैग के लिए स्लिप मिली है और एंट्री टिकट मिली है, शायद वो अंदर जाके दिखानी पड़ेगी जब यहाँ से एंट्री आएगी। मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं भाई। ये देखो अकेले अकेले भाग रही है। और बता देता हूँ कि वहाँ से यहाँ तक में थोड़ा सा ना डिस्टेंस है, मतलब 5 मिनट का मान लो है। तो ये यहाँ पे देखो गुडीज बैग मिलते हैं, इसको भेज रहा हूँ लेने के लिए, तो ये दोनों का गुडीज बैग ले लेगी। देखो हमने गुड़ीज वगैरह कलेक्ट कर लिए हैं और अब यहाँ से हमारी एंट्री होने वाली है अंदर को, यहीं से मतलब मेन सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। Feel the cold world try to put me on my knees, and I feel all of the pressure to provide everything. So I keep my head down, work hard, and believe that tomorrow will be better. Give it time and you'll see. But there's always a new fight, always a rough night. Cause it takes a few tries to get something new right. When it's been a tough life, you need a new view sight to see what to do, like to make a new move right. And I could feel the weight of the world, better brace fast. Got a little blood in my mouth, I can taste that. And I've been beaten, bruised from the fight, ain't no fake out. Calluses, they grow from the pain and the days pass. But I will never give up, and I will never give in. Strength is all I got now, and damn it, man, I'm all in. So why am I have to stay? Yeah, देखो कौन सा करेक्टर बड़ा हो, रेडी हो रही है। हाँ, ये शायद रेडी हो रहे हैं, अभी बाद में अपना धमाल मचाने वाले हैं सब लोग। सो वैसे तो ये फ्राइडे से स्टार्ट हो गया हमारा कॉमिक कॉन, बट हम सैटरडे को आए, डे टू पे आए हैं, ठीक है। फ्राइडे को ये सब चीज़ें था एंड सैटरडे हम लोग आए हैं, जिस दिन वहाँ पे ये सब चीज़ें आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड संडे को ये है, तो
बेस्ट वीकेंड ऑफ द ईयर इज प्लान. एटीएम भी अवेलेबल है, इनकेस आपको रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप ले. कैश नॉट एक्सेप्टेड, ये पढ़ लेना अपना क्या है. ठीक है, वीडियो रोक के फूड कोर्ट में ये सब चीज आपको मिल जाएंगी, आप लोग देख सकते हो. ब्राउन शुगर में ये सब चीजें हैं, नीचे आप लोगों को उसका मेन्यू दिख जाएगा. आइसक्रीम भी है, ज्ञानी, मतलब ऑलमोस्ट सब चीजें हैं. चाट कप, डॉगी स्टाइल, ठीक है, और हॉट डॉग्स इसमें करूंगा कुत्ते. Calluses, they grow from the pain and the days past. But I will never give up, and I will never give in. Strength is all I got now, and damn it, man, I'm all in. So I'ma have to stay tough, never show I'm bleeding. When everything is too much, you will see me leave. हो सकता है तो मैं थोड़ा सा ना मेरा ये सर कटा कटा दिखे यार वीडियो में, क्योंकि ये बॉक्सर बहुत छोटी है ना, तो फिर इस चक्कर में दिक्कत हो जाती है यार. बहुत छोटी नहीं है, इनके शूज बहुत ऊंचे हैं. बहुत छोटी है भाई, है इसको अगर मैं पकड़ूं तो ये कील नहीं होती है, एक इंची वाली उतने में आ जाती है. ये देखो, ये देख लो इतनी सारी चीजें आप लोगों को दिख रही होंगी, आपको अंदर तो और भी ज्यादा दिखेंगी. बाकी देखो कितनी भीड़ हो रही है, देखो सारे लोग कैसे पार्ट हो रहे हैं फोटो खिंचाने के लिए. यहाँ पर कॉस्प्ले कंटेस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो. जो भी आपको करेक्टर बनना है, यहाँ से आपको ड्रेसेस मिल जाती हैं. जस्ट इसके साथ में ही उन लोगों का फोटो सेशन भी हो रहा है. अभी जैसे ये छोटा सा स्पाइडरमैन भी जाता हुआ देख रहे हो, इसका भी अभी यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा था. तो यहाँ से हम लोगों की होती है एंट्री. ये देखो इनको पकड़ लिया, इनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. ही सेड कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे नहीं पता. मैं तो नहीं जाने वाली, बिकॉज आई डोंट नो द आंसर्स. यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं, ऐसे फनी क्वेश्चंस हैं. तो ये सोल स्टोन, और यहाँ पे अलग अलग तरीके की टी शर्ट, सारे एनिमे कैरेक्टर्स के, बैटमैन, सुपरमैन, डीसी, मार्वल, सारे ही मिल जाएंगे आपको. बाय फोर गेट वन फ्री. ये देखो एक्शन फिगर सारी, कितनी बड़ी बड़ी वो रखी हुई ना एक्शन फिगर्स. यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी आपको. आप लोग सॉक्स अवेलेबल है, अलग अलग सारे करेक्टर्स प्रिंटेड है उनके. देखो चेन सो वगैरह का माउस पढ़ के तो मस्त लग रहा है. डेट लियो उसका क्या है, 1200 प्राइस इसका. भाई देखो ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है, तो उसको कवर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है और वीडियो हो सकती है बहुत ज्यादा बड़ी. ये देखो भाई कितने तगड़े तगड़े कैरेक्टर्स हैं. 1500 2000 प्राइस के लिखे हुए हैं, जो जिसका फेवरेट है ना वो देख लेना. तलवारें, कटाना वगैरह भी रखी हुई है. गाइस हम तो मिलने आने वाले थे हमारे फैन, वो भी एक भी नहीं आया, क्योंकि अभी तक हमें एक भी नहीं मिला. अगर तो चाहता हूँ एक आध मिल जाए, पर देखते हैं कुछ कहने लगता. धूप इतनी है कि कुछ आके नहीं बोल रही भाई, सही तो मजाक की बात नहीं है. पूछ लेते प्राइस है तो दिखा दिखा ना. ये देखो इसने यहाँ तलवार उठा ली यहाँ से. कोई मस्त मस्त चीजें मिल रही है, मन कर रहा सब कुछ ले लो. भाई का भी यही कहना, सब कुछ ले लो. भैया के द्वारा उन्होंने अपना प्रमोशन भी कराया चैनल का. यहाँ पे देखो मेरे
घर के लिए ना पिलोज भी मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। बारबी डॉल के पोस्टर मिले, हमने यहाँ पे फोटो क्लिक कराई किसी का भी कुछ है, उधर भी अभी चलते हैं, लेकिन भीड़ बहुत हो रही है यार। और उन्होंने बताया था यहाँ पे ना बहुत सारे स्टोर्स हैं भाई, बहुत सारे स्टोर्स हैं चारों तरफ, सारे कवर करने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड है। तो ये देखो, ये वार्नर ब्रदर्स का है शज़ाम, ये मैं भी ट्राई करूंगा एक बार अभी जाके कि क्या होने वाला है यहाँ पे। शायद मतलब चिल्लाते हैं ना शज़ाम, जितनी तेजी से बोलोगे उतनी तेजी से ये मीटर चलेगा, तो ये आई दिखाएगी जब मैं करूंगा तो। ठीक है, देखो अब इनकी टर्न है, देखते हैं। वैसे तो बहुत चिल्लाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा गाइस। इनको ये पोस्टर मिला है, 50 गया था इनका स्कोर। बढ़िया, देखने वाले भाई बहुत गला बैठा है, मजा आ जाएगा। डीसी का यहाँ पे शायद अंदर जाके 360 वीडियो है, देखते हैं ट्राई करते हैं क्या है। ठीक है ना, वीडियो बना के ना आप ये मेल पे ड्रॉप करा सकते हो अपनी वीडियो, और इनको बोल दोगे ना तो ये कर देंगे आपके मेल पे। अब ये नहीं पता कब करेंगे, बट कर देंगे। अभी हैंड टू हैंड कर रहे हैं, हैंड टू हैंड हो रहा है। ठीक है, भैया बता रहे हैं हैंड टू हैंड हो रहा है। व्हिच कैरेक्टर यू आर? सुपर मारियो। सुपर मारियो, ओके, देख सकते हो आप सुपर मारियो को। ये देखो वुल प्रिंट मिल गया भाई हमें। हेलो, ये देखो वुल प्रिंट बने हुए हैं। यहाँ पे भी हमने फोटो सेशन करा लिया है, भाई ने फोटो खींची थी। अब ये पता नहीं क्या है, तो अवतार स्टूडियो। ये देखो, ये भी हमें कोई कैरेक्टर मिले हैं, अब उस टाइम से जरा। यहाँ पता नहीं क्या है, बहुत भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। वो वी आर है यहाँ पे, तो दोनों इसको भी ट्राई करके देखते हैं। भाई हमने ये ट्राई किया है जी यूनिवर्सिटीज में, वी आर पिना के लेंच पे चलाते हैं और हमें वहाँ तक पहुँच के वापसी आ रहे हैं, बट पता नहीं क्या हुआ, इन लोगों ने बोला कि आप गिर गए नीचे, बट मैं तो गिरा ही नहीं था। ये देखो कॉमिक बुक्स है, ये पढ़ लो, देखो क्या क्या है। पावर पावर ना चेंज तो नहीं थी, पावर वो डेंजी और टी बात करेंगे भाई, तू ना पावर के सीन भी देखो, बजा रहा भाई। तो ये ACT फाइबर नेट का कुछ प्रोग्राम चल रहा था, तो इसमें मतलब बेसिकली लड़कों और लड़कियों को अलग कर दिया था, और उन लोगों ने ये बोला था कि अपने शरीर में से या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि गैजेट ना हो, उसको आप मैच करते हुए स्टेज पे जाना है। तो आगे आप लोग देखना कि इन लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या किया है। यहाँ पे सारे कॉमिक्स वगैरह मिलेंगे आपको, इंडियंस वो भी। इधर आओ तो मैं नागराज से मिलाता हूँ। ये देखो कृष्णा, इनसे तो मिले ही नहीं हम, इनसे तो मिले ही नहीं हम। ये देखो
नारुतो फैंस बहुत है भाई, फोटो भी खिंचवाएंगे। चलो उधर गाइस, इसकी आप लोग डिमांड करते हो ना, ये नारुतो आ गए हैं यहाँ, देख सकते हो आप। बहुत डिमांड करते हो नारुतो, नारुतो मिल लो नारुतो से। मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा वो बना हुआ है, मॉडर्न वॉरफेयर ना। ये देखो यहाँ पे चिल विद बिंगो है गाइस, तो मे भी यहाँ पे बिंगो मिलेगा खाने को, अगर कुछ करके दिखाएंगे तो पहले खा लेगी भाई। ये देखो एक गेम है, ये फोकस करना है इन पे, और जो जिनका पहले वहां तक पहुंचेगा वो जीत जाएगा। तो हम दोनों भी अपना नाम लिखवा रहे हैं इसमें। ये देखो एक नया कैरेक्टर मिला, हम इससे पूछते आते हैं कौन है। कौन से मांगा से है? ब्लीच। देखो ये पे ना एक इसमें चाह रहा हमें डार्ट लेके वहां चिपकाने हैं किस तरीके से। गाइस हमने मैड एंगल वाला किया नहीं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा था, भीड़ हो रही थी, मैं मतलब बहुत सारी नारुतो गाइस। बहुत गर्मी और धूप हो रही है, लिटरली मेरी इस वाली आंख में ना दर्द भी हो रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत आज सोया नहीं हूँ इसलिए। देखो यहाँ पे हमें एक और कैरेक्टर मिला है, पता नहीं कौन सा करेक्टर है, मिल के बता दो। अरे गाइस यहां पे देखो मैं अवतार का मिला है, तो वे ऑफ वाटर। I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy and I don't think you have a clue what could. गाइस देखो कितना अजीब सा लग रहा है ना भाई, रियल रियल सा लग रहा है। और कैरेक्टर हमें मिले यहाँ पे, लेकिन पता नहीं है एक्जेक्टली, मेरे को याद तो है ये कैरेक्टर लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। स्कारलेट विच। तो ये मारुति सुजुकी एरिना है, इसका मुझे पता नहीं अंदर क्या है, यार वीआर के कुछ खेल होंगे और गाड़ी वगैरह दिखाई जाएगी, तो अभी इसमें चलते हैं और देखते हैं जरा क्या है क्या नहीं, ठीक है। एंड देन उसके बाद ना प्राइम वीडियो वाले में भी चलेंगे, क्योंकि हम शुरुआत में गए नहीं थे, बट आप जाएंगे उसमें, ठीक है। ये देखो गाड़ियों खड़ी है आगे, वो ना वीआर है, वीआर में बैठ के ना सब लोग ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं गाड़ी के साथ, और यहाँ पे कुछ कलर वलर मैच वैच करके गाड़ी के साथ कुछ करते हैं। Damn, ये देखो ये राज कॉमिक्स है, तुम्हें पता नहीं पहले मैंने दिखाया कि नहीं, ये देखो नागराज भाई, इसको तो तुम जानते भी नहीं होगे, बहुत पुराना इंडिया का ये तो करेक्टर भाई। ये देखो ये पिंजरा पर्चा जैसा क्यों लग रहा है मेरे को, देख पूछता है कौन सा कैरेक्टर है, मिलते हैं विंडोज 11 द अरीना। मैं एक्साइटेड हूँ, बट भीड़ जो अंदर हो रही है ना वो देख देख के मेरे तो दिमाग खराब हो रहा है। ये हम लोगों को ना कार्ड मिला है, इसमें अपना नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सुपर हीरो का कुछ बताना है, वो सब लिखना है। ना स्टार्टिंग में मिल जाता है ये सारे जितने भी है ना, विंडो 11, इंटेल, एलिमेंट क्वांटम, एसी, ये सारे ना आपको जाके मतलब पूरे करने हैं, देन उसके बाद इसमें स्टैंप लगेगी, फिर ये आपको बाहर देना है, उसके बाद आपको प्राइस मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है you just buy, get a little bit of trouble, take back all your fears.
कि मेरा मन है गेम वेम खेलने का, लेकिन मैं खेलूंगा नहीं क्योंकि बहुत भीड़ है भाई, हद से ज्यादा भीड़ है देख लो। और यहाँ पे मैंने सुना है कि जाया और हाइड्राफ्लिक दोनों मिल सकते हैं, पाँच बजे आएंगे, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता मिलेंगे कि नहीं, सुना था मैंने, मैं बाकी का पता नहीं। देख लो बंदे स्ट्रीम कर रहे हैं, देख रहे हो गाइस, फॉल गाइस खेल रहे, बंदे स्ट्रीम कर रहे हैं अभी। ये देखो इस तरीके की स्टैम्प लग जाती है, सारे कंप्लीट करते रहेंगे ना तो स्टैम्प लग जाती है, देन उसके बाद आपको प्राइज मिलता है। ये देखो फीफा के लिए आ रही है यहाँ पे, यहाँ वैलोरेंट चल रही है, सारी चीजें चल रही है यहाँ पे। यही तो मैं चाहता हूँ, होता ही नहीं है। यहाँ से चल रहे हैं, एक्चुअली बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे कुछ ना करें, हमें देख लिया जो देख लिया, अब हम चल रहे हैं। यहाँ पे एक दो स्टीमर आए हुए हैं, ठीक है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। हमारे पास पीसीएम वैसे बहुत तगड़े तगड़े गेम खेल लेते हैं, यहाँ पे अपने गेम खेलने के बाहर आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रहा है अंदर, आने वाले एरिया में बहुत ज़्यादा रश है, इधर भी बहुत ज़्यादा रश है, हमारी कौन सी जगह रह गई है, हम वहीं पर घूमने जाएंगे। अब मेरे हिसाब से तो हम लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली, तो ऑलमोस्ट हमने मतलब कवर अप कर लिया है, अभी भी रहता है, बट हमें पेट पूछा यार ये बहुत है, तो यहाँ पे कार्ड सिस्टम है, आप डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते, डायरेक्ट कैश आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे रिचार्ज कराना पड़ेंगे, कार्ड बनेगा, उस कार्ड से फिर आप जो बाहर स्टॉल्स लगे हुए ना उन सब में जाके परचेज कर सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। और ये भी बता देता हूँ कि कार्ड में बचने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो रिफंड नहीं होता, ठीक है, तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो भी आए अगली बार से तो आप ध्यान से। तो यहाँ पे कार्ड ये लेने गए हैं, बहुत जोर से भूख भूख लगी300 दिन हो गए यहाँ पे खड़े हुए, अब जाके हमें रोल मिलेगा, रोल खाने लिए हमें कुछ खाने के लिए मिल गया, भीड़ तो बहुत है। ओए कैसा महसूस कर रही है? बहुत दर्द है भाई, एक ये ऑर्डर लेने के चक्कर में हम 1.5 घंटे खड़े हुए हैं, लिटरली 1.5 घंटा लगा एक ऑर्डर के चक्कर में, सोच रहे यहाँ पे ना मेरे हिसाब से कल से ज्यादा भीड़ है भाई, कल कम भीड़ थी आज ज्यादा भीड़ है, और मेरे हिसाब से संडे को और ज्यादा भीड़ रहेगी। तो भाई हमें कोने में बैठ गए आप थक गए क्योंकि, और सीन ऐसा खाने का देखो तुम्हें कार्ड अंदर रिचार्ज करना पड़ता है, जितना भी तुम खाना चाहो उस हिसाब से, हाँ खाने की बहुत कम है, बहुत कम मिलता है, ठीक है, इस बार नहीं हुई लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकते, हम लिटरली 2 घंटे खराब करें,
और ऐसा है कि मतलब और ऊपर से ना लाइन लगानी पड़ती है, बहुत प्रॉब्लम में नहीं है लाइन, अगर लाइन ना लगानी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। एक शेक के लिए 1.5 घंटा, ठीक है, और हमने रोल खाया उसमें 2 घंटे की टाइम लगा, और बर्गर में भी लगभग ऐसे ही टाइम लगा। सब चीजें तो क्या होता है, लिमिट ले अब एक ये है तब माय फ्यूचर हीरो, यहाँ पे शायद ड्राइंग वगैरह का कंपटीशन होता है, बच्चे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, अंता दिख रहा होगा बट ऐसा ही। ये और नए कैरेक्टर हैं, इनसे हम अभी मिले हैं, पहले नहीं थे, पता नहीं मुझे कौन से कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन है और वो कौन है, ठीक है, मुझे पता नहीं है ना, मैं इनके पास जा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। ये भी हमने दिखाई थी, ये 47 इन, ये माया टॉयज है, यहाँ पे तुम्हें यो-यो वगैरह मिल जाएंगे। ये देखो यो-यो और ये सब मतलब घर के शॉपिंग टाइप के मिल जाएंगे, देखो भाई यो-यो चला रहा है। देख रहे हो बाकी हमारा तो घूमना फिरना लगभग हो गया, खाना पीना भी हो गया, तो हम जितना कवर कर सकते थे कर दिया, बाकी पता नहीं भाई तुम लोगों को मजा आया होगा कि नहीं आया होगा, अगर अभी तक तुम लोग देख रहे पहले ब्लॉग के हिसाब से हम जितना कर सकते थे उतना करा है, बाकी इन फ्यूचर अलग अलग जगह पे अलग अलग पहचाना इनको कौन है, ये सब बॉयज के हैं भाई, अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो पहचान लो, और अगर नहीं देखिए तो देखना जाके, बहुत अच्छी सीरीज है भाई, और यहाँ पे बहुत भीड़ है भाई, मुझे तो लगता है हम यहाँ पे जा ही पाएंगे। तो अब ये खेलने वाले हैं प्राइम वीडियो की गेम VR लगा के, सो देखते हैं क्या, वैसे तो बहुत गेमर बनते हैं, यहाँ पे इनका रिजल्ट आएगा। भाई प्राइम वीडियो में हो आए हैं, प्राइम वीडियो में एक्चुअल VR पहन के 3-4 गेम थे, एक तो हम लोगों ने देख ही लिया होगा, दूसरा वाला था मतलब वो एयर ट्रेन किसी को मैच कर रहा था, मतलब कुछ बल्ब चलते हैं उनको क्लिक करके बंद करना था, तो जो ज़्यादा कर पाता वो ज़्यादा प्राइस जीत पाता, वो ऐसा ही कुछ था। बाकी तीसरा था पजल वाला, हमने वो किया नहीं क्योंकि अच्छे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, अभी भी बहुत लंबी लंबी लाइन लगी है, वो तो हमने गलती से घुस गए थे क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड खड़ा नहीं था, तो हम घुस गए कैचल को चाहते हैं, नहीं तो हमारा नंबर आता ही नहीं भाई। तो ये आप लोकी देख सकते हो,
दूर से देख लो, हम लोग पास में नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत रॉकी भाई और विंटर सोल्जर भाई दोनों भाई हैं यहाँ पे। यहाँ पे सारे एनिमे कैरेक्टर्स जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। आप सब यहाँ पे देखो, ये बायोमेट्रिक वगैरह यहाँ पे शर्मल स्काई टोटल लिमिट, ये मतलब ऊपर ऊपर को चेक कराते हैं, पता नहीं। ये देखो आर्किटेक्ट बन रही है, ये बहुत बड़ा जूम है। यहाँ पे 6:30 शो होगा, ये देखो ये भी ट्राई कर रहे हैं, ये सब आप देख सकते हो। स्काई इज नॉट द लिमिट एग्जैक्टली। लड़की ऐसे बैठी शो में, मैंने कहा स्टोरी बनाई गई थी, नहीं नहीं इंस्टाग्राम लाइव। वो 500 रुपए 5,000 लोगों को दिखा रही है, घर बेचो मैं स्टोरी ना बना दी सोच के, इनसे ज्यादा पैसे लेना प्लीज। बस खत्म। देखो इसका ना यहाँ पे फोटो खिंचवाने का मन है, लेकिन ऑलरेडी भीड़ हो रही है यहाँ पे अभी भी। अब ऐसे अब हमारा जाने का मूड हो गया रात में, ये कॉमिक कॉन देखो ऐसा लगता है। जो भी इंजॉय था हमने कर लिया, हमने ब्लॉग जो कर सकते थे वो कर लिया है, बाकी अभी जब अपलोड होएगा, एडिट होएगा, फिर उसके बाद अपलोड होएगा, तब एक्जेक्टली तुम्हें पता लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं। अब बहुत ठंड लग रही है, इसको लग रही है, मुझे तो गर्मी लग रही थी, बस ठंड नहीं लग रही है, मुझे गर्मी ही लग रही थी बस। देखो गाइस, कॉमिक कॉन अच्छा था इवेंट, मैंने बताया कि हम लोग ने फर्स्ट टाइम ही इसको मतलब अटेंड किया है, मैंने बताया हम लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम अटेंड किया है, तो काफी अच्छा लगा, नॉट बैड, काफी मतलब चीजें अलग अलग देखने को मिली हम लोग, एक्सपीरियंस मिले। जो भी मार्वल डीसी एनिमे फैंस हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट था ही यहाँ पर, जैसे कि ये हैं, मैं भी हो गई हूँ। अब आप लोगों ने बोला है कि देखो तो देख देख के मेरे को फर्क चल गया थोड़ा बहुत, मुझे लगता है हम लोग अगर लेट निकलेंगे तो ज्यादा भीड़ हो जाएगी। हाँ, इसलिए हमने थोड़ा ना 6:30 हो गए, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया, जो जो हमें मेन मेन देखना था सब कुछ हमने देख लिया। तो हमारा जो एक चीज होने वाली थी 6:30 बजे वो थी बाइनोक्युलर्स, टेलीस्कोप देखने वाले थे कि मतलब कौन कौन से प्लेनेट कहाँ पे क्या है, बट उसके लिए ना बहुत भीड़ ऑलरेडी लग चुकी है, तो वो आप नहीं देख सकते, हम भी नहीं देख पाए। तो भाई फाइनली अब अपन लोग घर जा रहे हैं, मेट्रो में चढ़ चुके हैं, देख लो नीचे तुम लोग, ठीक है। एंड आप घर पहुंच के ही बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी थक चुके हैं, टांगों में इतना दर्द हो रहा है कि चला भी नहीं जा रहा है मेरे से। तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, और घर आते आते 9 बज चुके हैं, तो बस तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा, कुछ बातें हैं करने के लिए, बट अभी मेरे देखो बिल्कुल पावर नहीं है बोलने के, कुछ भी है, ऑलरेडी बहुत थक चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बाकी अगर कोई भी बात है कुछ भी है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, अगर आप लोगों का प्यार इस पे ज्यादा होगा तो हम व्लॉगिंग को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम सोचेंगे करें या ना करें, ठीक है ना। और तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, और इसी तरीके से चैनल पर हमेशा बने रहना, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद, तो फिर मिलते हैं तुमसे इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए पीस आउट।